हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। एंड गाइज, हियर वी हैव द ऑल न्यू टाटा टियागो। एंड भाई, आपके सामने इधर खड़ी हुई है टिगोर। दोनों ही गाइज अपने आप में एकदम टॉप मॉडल है। ये खड़ी अपनी एग्जेट प्लस, एंड ये खड़ी हुई है भाई अपनी एग्जेट प्लस एलपी, मतलब लेदरेट पैक। एंड गाइज, लेदरेट पैक में नॉर्मल सा अपना आ जाता है भाई पूरा अंदर जो लेदराइट सीट वगैरह है। इसमें एलपी आता नहीं है, तो वो टॉप मॉडल से कंपैरिजन करता। तो दोनों ही टॉप मॉडल है। इसका फुल डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस मिल जाते हैं, क्या प्राइस रेंज आता है, कलर ऑप्शन, क्या फीचर्स मिलते हैं, एंड कौन सा व्हीकल आपके लिए 2023 में ज्यादा बढ़िया होगा। एंड गाइज, एक चीज मैं आपको क्लियर करा दूं कि ये भाई अपनी खड़ी हुई एग्जेट प्लस सीएनजी, बट गाइज मैं कंपेयर करने वाला हूं एग्जेट प्लस पेट्रोल वर्सेस एग्जे प्लस एलपी पेट्रोल। तो गाइज, ये सीएनजी को आप इग्नोर करिएगा, हम लोग लेके चलेंगे भाई अपनी टियागो। वैसे सभी चीजें फीचर्स सेम मिलती है, अगर एग्जे प्लस सीएनजी है या फिर एग्जे प्लस पेट्रोल है। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं एग्जेट प्लस अपनी टियागो, एंड ये लेके चल रहे हैं भाई अपनी एग्जेट प्लस एलपी मॉडल, मतलब लेदरेट पैक। तो दोनों के कंपैरिजन करेंगे। बाकी गाइज, अगर आप लोग चैनल पर नए तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। एंड वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो, टाटा की कोई भी कार चाहिए, कम टू द ब्रिजलेक्स मोटर, चेक आउट द प्रोडक्ट एंड बुक नाउ। सो गाइज, सबसे पहले की से स्टार्ट करेंगे। तो भाई अपने आपको टिगोर में कुछ ऐसी की देखने को मिल जाती है, जहाँ पे टाटा की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पे फोर बटन मिल जाते हैं लॉक अनलॉक के, एंड पीछे ट्रंक बटन ओपन करने का, एंड यहाँ पे गाइज आपको फॉलो मी हेडलैम्प का एक मिलेगा। एंड गाइज, सबसे पहले वेरिएंट को देखते हैं। तो टोटल 12 वेरिएंट में अवेलेबल होती है अपनी टिगोर, एंड यहाँ पे भाई अपनी टियागो अवेलेबल होती है टोटल 14 वेरिएंट में। एंड कलर ऑप्शन की बात करेंगे तो भाई अपनी टियागो अवेलेबल होती है 5 कलर ऑप्शन के साथ, एंड टिगोर अवेलेबल होती है भाई 4 कलर ऑप्शन के साथ। दोनों ही सामने गाइज आपके सामने खड़ी हुई है, दोनों ही कलर सेम कलर ऑप्शन के साथ अपनी व्हाइट। एंड उसके बाद गाइज अगर प्राइसिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे गाइज आपको टियागो की गाइज अपनी जो प्राइस पड़ती है, ये अभी आपके सामने जो खड़ी हुई है ये भाई अपनी एग्जेट प्लस, इसकी आपको 7.15 लाख एक्सोरूम पड़ेगी। एंड ये टिगोर खड़ी हुई है, इसकी प्राइस आपको भाई पड़ जाती है 7.99 लाख एक्सोरूम। एंड गाइज, अगर हम लोग ऑन रोड प्राइस की बात कर ले तो पहले टिगोर को देखते हैं। तो ये आपके सामने खड़ी है अपनी एग्जेट प्लस एलपी मॉडल, इसकी प्राइस आपको अप्रॉक्स 9,30,000 पड़ जाएगी ऑन रोड। एंड गाइज, इधर आपकी खड़ी हुई है भाई अपनी टियागो एग्जेट प्लस मॉडल, इसकी प्राइस आपको पड़ जाती है भाई आपको अप्रॉक्स 8.2 लाख। तो गाइज, यहाँ पे आपको सीधे सीधे देखते हैं तो अप्रॉक्स मतलब मोटी मोटा 1 लाख का अंतर दोनों ही कार्स में आपको देखने को मिल जाता है। एंड गाइज, ये था पूरा ओवरऑल भाई अपना प्राइसिंग, वेरिएंट वगैरह, कलर ऑप्शन। अब आते हैं भाई फ्रंट प्रोफाइल से। तो सबसे पहले अगर आप देखते हैं भाई अपने टिगोर को, तो यहाँ पे गाइज आपको कुछ ऐसा मिलता है भाई फ्रंट प्रोफाइल। मैं देखिए गाइज आपको बता दूँ, पूरा फुल डिटेल रिव्यू नहीं करूँगा क्योंकि फुल डिटेल रिव्यू मैंने पहले कर रखा है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी दोनों का ही फुल डिटेल रिव्यू का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सिर्फ मैं डिफरेंस बताऊंगा भाई क्या डिफरेंस मिलता है। तो गाइज, सबसे पहले यहाँ पे आपको दोनों में ही सिंगल यूनिट प्रोजेक्टेड हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है। दोनों में ही गाइज काफ़ी बढ़िया सा आपको क्रोम एंड पियानो ब्लैक में ग्रिल मिलेगा। बट गाइज, लोअर अगर आप ग्रिल देख रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ क्रोम की ट्रीटमेंट मिल जा रही है अपने टिगोर में, जो कि भाई टियागो में नहीं मिलती है। एंड उसी के बाद गाइज, बाकी नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप हो गया, फॉग लैंप हो गए, एंड यहाँ पे आप देखेंगे टू हुक वगैरह सब आपको सेम मिलता है एज कम्पेयर टू भाई अपना टियागो। तो गाइज, दोनों का ही आप एक बार फ्रंट प्रोफाइल चेकआउट कर लीजिए। सिंगल यूनिट प्रोजेक्ट हेडलैम्प सेटअप, फॉग लैम्प, पार्किंग लाइट, स्किड प्लेट नीचे व्हाइट कलर के मिलते हैं। लोअर ग्रिल पे यहाँ पे गाइज आपको ब्लैक कलर मिल रही है, एंड अपना जो टियागो देखते हैं वहाँ पे गाइज इधर आप देखते हैं तो क्रोम फिनिशिंग मिल जाता है। बाकी गाइज, दोनों में वाइपर्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको एंटीना भाई ऊपर मिलता है चुंडी जैसा, एंड इसमें एंटीना पीछे सार्फिन मिल जाता है, अभी दिखाऊंगा। एंड साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं तो भाई ये अपने टिगोर की साइड प्रोफाइल, जहाँ पे अपने व्हील्स को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको अलॉय व्हील मिल रहा है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक। एंड अगर टायर प्रोफाइल को देख रहे हैं भाई तो यहाँ पे आपको जो टायर परफॉर्मेंस मिलती है वो मिलती है 175/60 सेक्शन की विथ 15 इंचेज ऑफ अलॉय व्हील, फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में आपको ड्रम ब्रेक। एंड पियानो ब्लैक में आपको आरवी मिलता है, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फोल्डेबल यहीं पर आपको मिलेगा भाई। टर्न लाइट इंडिकेटर, रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है इसके डोर हैंडल पे, बीडिंग यहाँ क्रोम फिनिश मिलती है, रूफ पोस्ट ब्लैक कलर का कुछ ऐसा लुक मिल जाता है। साइड प्रोफाइल यहाँ पे गाइज आपको मिलता है भाई अपना ब्लैक कलर का सार्फिन एंटीना। अब देख लेते हैं भाई अपने टियागो के साइड प्रोफाइल को। तो गाइज, ये है अपनी ओवरऑल टियागो की साइड प्रोफाइल, जहाँ पे गाइज अगर आप देख रहे हैं अपने बीडिंग को तो यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की बीडिंग मिल रही है, बाकी वहाँ पे गाइज अपने टिगोर में आपको क्रोम फिनिशिंग में बीडिंग मिल रही थी। ओ आर बी एम एकदम सेम मिल रहा था, यहाँ पे आपको टर्न लाइट इंडिकेटर्स एंड यहाँ पे आपको भाई मिल जाते हैं सेम डोर हैंडल्स कुछ क्रोम ट्रीटमेंट में एंड कुछ व्हाइट कलर में। एंड गाइज, यहाँ पे आपको भाई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता, जो कि आपको भाई टिगोर में मिल रहा था। तो भाई कुछ ऐसा इसका साइड प्रोफाइल आ जाता है, बाकी बीडिंग ब्लैक कलर का मिलता है, रूफ पोस्ट ब्लैक कलर का, वहाँ क्रोम की ट्रीटमेंट कुछ मिल जा रही थी बाकी। एंड गाइज, सबसे बड़ा जो डिफरेंस है यहाँ पे गाइज आपको काफ़ी बढ़िया अलॉय व्हील मिल रहा था, एक बार देख लीजिए। एंड इधर गाइज आपको मिल जाता है अपना रिम व्हील, एंड ये व्हील कैप मिलता है। तो भाई हाँ, ये मत सोचिएगा कि इसमें भाई आपको अलॉय व्हील मिल रहा है, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल रहा है, रियर में भाई आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, बाकी गाइस कुछ ऐसा लुक मिलता है। अब रियर से देखते हैं तो गाइस, सबसे पहले हम लोग अपने टिगोर को ही देखेंगे। तो यहाँ पे गाइस आप देख रहे हैं तो कुछ ऐसा मिल जा रहा है अपना भाई टिगोर का लुक, रियर प्रोफाइल। एंड गाइस, यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया सा जो अपना मिलता है भाई ब्रेक लाइट, वो देखने को भाई मिल जाता है। आप देख पा रहे होंगे एलईडी सेटअप में मिलता है ब्रेक लाइट, टर्न लाइट इंडिकेटर और रिवर्स लाइट, यहाँ पे आपको हैलोजन मिलते हैं। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो भाई तो अपना मिल जाता है सार्फिन एंटीना। एंड उसी के बाद गाइस, यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है,
टाटा की ब्रांडिंग मिलेगी, क्रोम की ट्रीटमेंट मिलेगी, यहाँ आपको रिवर्स कैमरा मिल जाता है, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप एंड यहाँ पे आपको भाई नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर, क्रोम ट्रीटमेंट एंड गाइस यहाँ पे आपको 490 लीटर की काफ़ी सही बूट स्पेस मिल जाती है। भाई मैं आपको एक बार भाई बूट स्पेस इसका दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे गाइस आपको इसका कुछ ऐसा बूट स्पेस मिल जाता है 419 लीटर का एंड किट वगैरह देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे रियर कैमरा वगैरह आपको देखने को भाई मिल जाता है। बाकी गाइस आ जाते हैं हम लोग टियागो के रियर प्रोफाइल पे एंड गाइस अगर इसके रियर प्रोफाइल को देखते हैं तो भाई ये तो नॉर्मल सी बात है, वो भाई अपनी थी सडान, ये थी हैचबैक, तो थोड़ा सा ये फ्लैट रहने वाली है। बाकी गाइस यहाँ पे ये आपको समझने की कोशिश करिएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। सो गाइस यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर आपको मिल जा रहा है हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, इधर आपको भाई स्पॉयलर मिल रहा है, वहाँ पे भाई आपको तो पूरा हाई माउंटेड स्टॉप लैंप ही मिल जा रहा था। तो स्पॉयलर मिल रहा है मतलब स्प्लिट स्पॉयलर मिल रहे हैं, छोटे छोटे आपके आने मिल जाते हैं लुक को एनहेंस करने के लिए। बाकी गाइस यहाँ पे अभी आपको डिफॉगर मिल जा रहे हैं, उधर भी डिफॉगर आ रहे थे, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जा रहा है। इसमें गाइस आपको वाइपर आ जा रहा है, टाटा टियागो की ब्रांडिंग, यहाँ पे आपको रियर कैमरा दोनों में ही मिल रहे हैं, क्रोम की ट्रीटमेंट पीछे आपको दोनों में ही मिल जा रही है, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप एंड गाइज कुछ ऐसा ओवरऑल लुक मिल जा रहा है आपको यहाँ पे। बाकी गाइज ICNG की ब्रांडिंग इसको इग्नोर करिएगा बिकॉज अभी हम लोग लेके चल रहे हैं भाई अपने पेट्रोल वर्जन एग्जेट प्लस को टियागो में। एंड गाइज इधर अगर आप देख रहे हैं भाई अपने टेल लैंप को तो यहाँ पे आपको भाई पूरा रिफ्लेक्टर बेस हैलोजन सेटअप में टेल लैंप मिलता है, वहाँ पे गाइज LED ब्रेक लाइट मिल रहा था, यहाँ पे आपको हैलोजन मिल रहा है। तो गाइज थोड़ा सा थ्रो उसका ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। बाकी अगर बूट स्पेस को चेकआउट करते हैं तो गाइज यहाँ पे आपको जो बॉडी स्पेस मिलती है वो मिलती है भाई अपनी 240 लीटर्स की एंड इसमें गाइज अभी तो CNG किट इंस्टॉल है तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, और वहाँ पे 419 लीटर की तो बॉडी स्पेस उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब दुगना का अंतर रहेगा। बाकी गाइज कुछ ऐसा इसका ओवरऑल रियर प्रोफाइल मिल जा रहा है। एंड अगर अब इंटीरियर को चेकआउट करते हैं भाई तो सबसे पहले हम लोग भाई अपने टियागो को देखेंगे। तो गाइज टियागो में कुछ ऐसा इंटीरियर मिलता है, यहाँ पे गाइज अगर आप देखते हैं डोर्स कंट्रोल को तो यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल मिलता है, डोर लीवर कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल, स्पीकर प्लेसमेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई अपना बॉटल होल्डर, कुछ स्पेस। बाकी गाइज अगर इंटीरियर देखते हैं और फुल डिटेल रिव्यू फिर से बोल रहा हूँ गाइज चाहिए तो आप लोग भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हेड रेस्ट दो मिलते हैं, दोनों एडजस्टेबल सीट हाइट एडजस्टेबल साथ आता है, ये फुली डिजिटल MID मिलता है, स्टेरिंग कुछ ऐसा मिल जाता है जहाँ पे गाइज MID कंट्रोल नहीं मिलता, इंफोटेनमेंट कंट्रोल मिलेगा। एंड गाइज यहाँ पे आप देखते हो तो इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप को बटन नहीं मिलता, फिजिकल की नॉब से काम चलाना है। काफ़ी बढ़िया क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है, पियानो ब्लैक मिल जाता है फिनिश, और हरमन की यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो सपोर्ट करता है ऑटो कार प्ले एप्पल कार प्ले को। बाकी गाइज लुक ऐसा मिलता है, IRBM मिलेगा, ऊपर आपको LED लाइट्स मिल जाते हैं। सो गाइज कुछ ऐसा इंटीरियर मिलता है भाई अपने टियागो का। एंड सेकंड रो को देखते हैं भाई तो कुछ ऐसा यहाँ पे डोर मिलता है, यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल, कुछ स्पेस, इधर आपको बॉटल होल्डर मिलेगा एंड स्पीकर प्लेसमेंट वगैरह। बाकी गाइज इधर आपको भाई नहीं मिलता है अपना आर्मरेस्ट, हेड रेस्ट दो मिलते हैं, दोनों फिक्स्ड हैं एंड यहाँ पे आपको पीछे पार्सल ट्रे, रियर रिसीवेंट भाई नहीं मिलता इसमें आपको इस, बाकी हैंडल ऊपर आपको मिल जाएगा। बाकी गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे आपको भाई मिलता है लुक अपने टियागो में। एंड गाइस अब हम लोग चलते हैं भाई अपने टिगोर के इंटीरियर की तरफ। तो यहाँ पे गाइस अगर आप डोर को देख रहे हैं तो यहाँ पे गाइस तो ये बिल्कुल सिमिलर है अपने एज कम्पेयर टू टियागो, यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल मिलेगा, डबल सर ऑटो क्रोम और फिनिश में यहाँ पे लीवर्स मिल जाते हैं, इधर गाइस आपको मिलेगा RBM कंट्रोल, यहाँ पे स्पीकर प्लेसमेंट, यहाँ पे बॉटल होल्डर, कुछ स्पेस। बाकी गाइज सेम यहाँ पे आपको मतलब थोड़ा डिफरेंस तो मिलता ही है, ऐसा ही टियागो में इंटीरियर मिलता है ऐसा इसमें मिल रहा है। इधर गाइज आपको रिसीवेंट्स एकदम सेम मिलते हैं क्रोम ट्रीटमेंट के साथ, इधर आपको नहीं मिलता है भाई कोई भी कंट्रोल स्टीयरिंग में। एंड MID गाइज आपको दोनों एकदम सेम मिलता है, फुली डिजिटल इंफोटेनमेंट सिस्टम भी गाइज इसमें आपको हरमन का मिल जा रहा है जो सपोर्ट करता है ऑटो कार प्ले एप्पल कार प्ले को। बाकी गाइज कुछ ऐसा यहाँ पे लुक मिल जा रहा है एंड इधर आपको ऑडियो कंट्रोल मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट कंट्रोल मिल जाते हैं। एंड गाइज ये LP मॉडल है, लेदरेट पैक, तो यहाँ पे आपको लेदर की सीट मिल रही है, काफ़ी बढ़िया भाई, और कुशनिंग काफ़ी सही है। हेड रेस्ट दो मिलते हैं, दोनों एडजस्टेबल है गाइज, आर्मरेस्ट किसी को भी नहीं मिलते हैं फ्रंट में किसी वेरिएंट में भी, LED लाइट आपको सेम मिलती है ऊपर हेड, इसका कुछ ऐसा इंटीरियर मिल रहा था भाई। बाकी गाइज वहाँ पे गाइज आपको फिजिकल की नॉब मिल रहा था, इधर यहाँ पे गाइज आपको इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप का बटन देखने को मिल जाता है अपने भाई टिगोर में। एंड गाइज अगर आते हैं हम लोग इसके सेकेंड रो में तो यहाँ पे गाइज ऐसा कुछ मिल जाता है भाई अपना लुक सेकेंड रो में, यहाँ पे गाइज सेम आपको टियागो की तरह ही देखने को मिलता है, इधर आपको डोर लीवर मिल जाता है, पावर विंडो कंट्रोल, कुछ स्पेस, बॉटल होल्डर एंड यहाँ पे आपको स्पीकर प्लेसमेंट। एंड गाइज यहाँ पे अगर देख रहे हैं आप हेड रेस्ट को तो हेड रेस्ट तीन है, तीनों भाई फिक्स्ड मिलते हैं, एडजस्टेबल नहीं है, पार्सल ट्रे आ जा रहा है। एंड गाइज वहाँ पे आप देख रहे थे तो आपको कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिल रहा था, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया आर्मरेस्ट मिलता है विद टू कप होल्डर, AC वेंट्स रियर में किसी वेरियंट में भी आपको नहीं आता, मतलब किसी मॉडल में भी, चाहे आपने टिगोर या फिर टियागो को देख रहे हैं तो ऊपर आपको हैंडल मिलेगा, दोनों में पार्सल ट्रे आ जाती है, पीछे लाइट ऊपर रूफ में मिलेंगी।
एंड गाइस कुछ ऐसा यहाँ पे आपको ओवरऑल इंटीरियर मिल जा रहा था। बाकी मैंने डिटेल रिव्यू नहीं कर रखा है क्योंकि भाई डिटेल रिव्यू चाहिए होगा तो आप भाई मेरे चैनल पे जा सकते हैं, दोनों ही गाड़ियों का आपका पूरा फुल डिटेल रिव्यू मालूम चल जाएगा। ये भाई एक कंपैरिजन था कि दोनों में ही क्या क्या डिफरेंसेस मिलते हैं, क्या लुक मिल जाता है, कैसा उसमें लुक आता है, रियर प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल। एंड गाइस अब देख लेते हैं भाई इंजन स्पेसिफिकेशन को। तो यहाँ पे गाइस आपको दोनों में एकदम सेम इंजन मिलता है भाई। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो भाई मिल जा रहा है अपना 1199 सीसी 3 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन जो जनरेट करता है मैक्स पावर 84.8 bhp 6000 rpm पे एंड 113 nm का टॉर्क मिलता है भाई 3300 rpm पे। कब गाइस ये सीएनजी आप प्लीज इग्नोर करिएगा। एंड यहाँ पे गाइस दोनों में इंजन एकदम बिल्कुल सेम मिलता है पेट्रोल वेरिएंट्स में। एंड अगर बात करते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी की तो दोनों में आपको 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है एंड अप्रॉक्स 18-90 km की भाई माइलेज देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको दोनों में अप्रॉक्स सेम ही सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, बाकी बिल्ड क्वालिटी भाई दोनों में ही बढ़िया मिलती है। सो गाइस यहाँ पे आपको 2 एयरबैग, ABS, CVT, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर रेजर वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक जैसे मतलब सेफ्टी फीचर्स आपको दोनों में मिल जाते हैं। एंड भाई यहाँ पे इसमें भाई आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जा रहा है रियर में। सो गाइस कुछ ऐसे यहाँ पे आपको ओवरऑल सेफ्टी फीचर्स मिल जा रहे थे। अब बात कर लेते हैं भाई डायमेंशन की। तो गाइस डायमेंशन में नॉर्मल सी बात है भाई, अपनी टिगोर थोड़ी सी आगे निकल के आएगी बिकॉज भाई ये अपनी सडान है तो लेंथ ज़्यादा मिल रहा है इसमें। तो यहाँ पे एक बार देख ही लेते हैं। तो भाई यहाँ पे जो ओवरऑल लेंथ देखते हैं तो अपनी टिगोर में मिलती है 3993 mm की, यहाँ पे आपको मिल जा रही है 3765 mm की। वेट को देखते हैं तो भाई दोनों का ही चौड़ाई तो फ्रंट से सेम मिलती है भाई, एकदम वेट सेम है दोनों का ही 1677 mm का। एंड गाइस अगर देखते हैं ओवरऑल हाइट को तो भाई हाइट यहाँ पे आपको 1535 mm की अप्रॉक्स दोनों में ही देखने को मिल जाती है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें गाइस तो दोनों में आपको सेम ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का अप्रॉक्स देखने को मिल जाता है अपने टिगोर में भी, अपने टियागो में भी। एंड अगर व्हील बेस को देख रहे हैं भाई तो व्हील बेस यहाँ पे आपको 2450 mm 2450 mm का टिगोर में मिलता है एंड 2400 mm का भाई अपने टियागो में मिल जा रहा है। बाकी बूट स्पेस गाइस यहाँ पे आपको मिल रहा है 490 लीटर का, यहाँ पे आपको मिल जा रहा है भाई अपना 200 अप्रॉक्स 40 लीटर का बूट स्पेस गाइस 419 लीटर। बाकी गाइस यहाँ पे आपको दोनों में 7 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल रहा है अंदर और जो सपोर्ट करते हैं ऑटो कार प्ले, एप्पल कार प्ले को एंड 4 स्पीकर मिल जा रहे हैं। सो गाइस होप करता हूं आप सभी लोगों को भाई इसका पूरा कंपैरिजन समझ में आ गया होगा एंड वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही कार से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए एंड गाइस मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।